आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने बाराबंकी जनपद के विकास खंड हरक की ग्राम पंचायत मोहना गांव के उधवापुर में राम रूप रावत की सदस्यता में चलाया गया और इसी अवसर पर कई पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट दिनेश कुमार वर्मा की आप देख रहे हो। चलिए आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आज सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। मैं आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अरविंद यादव और हम अपनी जयपुर विधानसभा में सदस्य अभियान चला रहे हैं जयपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत मोहना के उधवापुर ग्राम में, और जिसमें हमारे प्रत्याशी हैं राम रूप रावत जी। इन्हीं के उसमें सदस्य अभियान चला, जिसमें हमारे तहसील ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सदस्य को पदाधिकारी बनाया गया और सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। क्या आम आदमी पार्टी ने राम रूप रावत निवासी मोहना पंचायत उधवापुर के प्रत्याशी घोषित कर दिया है? अभी प्रत्याशी नहीं घोषित की है, अभी प्रत्याशियों की लिस्ट गई है, लेकिन राम रूप जी का नाम चल रहा है और उसको घोषित करेगी। धन्यवाद। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां बाराबंकी जनपद के थाना जहांगीराबाद में जन कल्याण किसान एसोसिएशन के माध्यम से बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पेड़ों वृक्षारोपण किया गया, जिसमें धर्म कुमार चेयरमैन, धर्मराज यादव जिला अध्यक्ष, सुनील कुमार यादव जिला संस्थक, संजय कुमार यादव जिला उपाध्यक्ष संगठन एवं थाना प्रभारी, दर्शन यादव, सुग्रीव यादव, अखिलेश कुमार सिंह पप्पू निर्देशक प्रभारी, कुमारी कमल किशोर हेड कांस्टेबल, जितेंद्र कुमार की अगुवाई में किया गया। अब ये रिपोर्ट आप देख रहे हो दिनेश कुमार वर्मा की। आइए देखते हैं पदाधिकारियों ने क्या क्या जानकारी विस्तार पूर्वक से दी। आज पौधरोपण जो किया गया है, इसमें क्या कहना चाहिए? अपना पहले परिचय बता दें। सर, मैं रूबी रावत, सर ब्लॉक अध्यक्ष जो है मातृशक्ति के ब्लॉक अध्यक्ष फतेहपुर से। आज जो पौधरोपण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, पौधरोपण क्या, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इसी दौरान सर हम लोग एक कदम जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, और ये यही पेड़ पौधा रोपण किए और हमने भगवान को आशीर्वाद भी लिया हमने, और भगवान को भी हम लोग धन्यवाद। आपने पेड़ रोपण करने का काम किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपके मन में विचार आया कि इसको रोपित किया जाए? सर, जो हमारे पर्यावरण से हमको कुछ मिलता भी है, और जैसे कि हमारे पशु, जो हमारा पशुआ भी घूमते हैं, वो भी पर्यावरण के पेड़ों से थोड़ा उसको भी संतुष्टि मिलती है और हमारा वातावरण भी सही रहता है। ठीक, आप लोग वन संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, वहीं पर कुछ अस्वाभाविक तत्व तो हरे भरे पेड़ों पर आरा चलाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अवैध कटान के लिए और प्रतिबंधित पेड़ों के रोकने के लिए हमारे संगठन के बायलाज में भी है कि उनको रोका जाए, और हम उस पर विशेष प्रयास करेंगे और करते हैं। अगर अवैध कटान कहीं मिलता, हमको कोई सूचित करता है, तो तुरंत हम लोग अपनी टीम को भेज करके उसको रोकेंगे। धन्यवाद। ठीक जी, जब वनों में अपनी लीलाएं किए हैं और वनों में अक्सर पेड़ होते हैं, और दूसरी बात, पेड़ों से हमें पर्यावरण संरक्षण मिलता है। आज प्रदूषण बहुत व्याप्त हो गया है, जिसको मिटाने के लिए हमारे संगठन जन कल्याण किसान एसोसिएशन के द्वारा निरंतर ये पौधरोपण का अभियान चलाया जा रहा है, और आगे भी ये चलता रहेगा।